के कूद कूद के जो जिसने थप्पड़ मारे थे लड़के को, लखनऊ की बात, लखनऊ की लड़की थी वो, तो लखनऊ की बात थी। मुझे बड़ी चीज़ अजीब लगी कि ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो फिर आप जेब्रा लाइन को क्रॉस क्यों कर रहे हो? तो आप जब जेब्रा लाइन क्रॉस कर रहे हो, आप कई मैंने देखा उस फुटेज के अंदर कि गाड़ियों से भिड़ते भिड़ते बची है वो। फिर अब आपको तो अच्छी बात है कि आप जब गुजर रहे थे तो उस गाड़ी टैक्सी वाले ने रोक लिया ताकि आपको कोई हार्म ना हो, ठीक है, ऑब्वियसली कितना अच्छा काम किया उसने, रोक लिया तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए थे। पता नहीं इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो वहाँ पर आई, और ये बिल्कुल गलत है। मैं पर्सनल व्यू मेरा यही है कि दैट इज़ रियली रॉन्ग, उस लड़के के साथ बहुत गलत किया है ना। कोई कुछ आपके टच भी नहीं हुई गाड़ी, फिर भी आपने क्या किया उसके साथ, इतना उसको मारा, बेइज्जत किया। और आजकल प्रॉब्लम ये है, देखो कितनी अफसोस की बात है कि लोग बचाते नहीं हैं, वीडियो पहले बनाते हैं। तो वहाँ पर वीडियो पहले बन गई, सोशल मीडिया पे आ गई, कितने अफसोस की बात है। उस लड़की को भी समझना चाहिए था कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत सारे लोग लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए, अगर देखोगे तो अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है सड़क पे, तो 4-5 लोग, लड़के या आदमी जो भी होंगे, औरतें, सब सपोर्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बहुत सही बात है ना, लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, पर उसका आपको गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब देखा वहाँ पर उस टाइम पे क्या था कि किसी ने नहीं पूछा, लड़की गलती है लड़के की है, वहाँ पर लड़की को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो लड़का लड़की को सपोर्ट कर रहा था उस लड़की ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मारा। तो बड़ी अजीब सी कहानी है। आपको काबू रखना चाहिए अपने आप पे और सोच समझ के करना चाहिए, ये गलत बात है।